एक्चुअल ते ओदी डेवलप होया ना सारा कुछ सर डेवलप हो गया थी छछू नंबरदार दी साथ चलो लाल भरी हो गई पहली बड़ी बात जिहड़ी सी जब पहला दफा जेट उन्होंने उठाया उस बाद लाहौर सारे दी तारीख अज पूछ लेनी सर बहुत ज्यादा इनफॉरमेशन सारे उतार चढ़ाओ देखिए बहुशमस पार्टी तो वैसे पुरानी नहीं बहुत पुरानी ग्रुप क्योंकि मेरा जो आपका ब्रेकअप हुआ था चॉइस हमने 2008 नोइस पार्टी में नौ उड़ा के फिर जाती थी जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कबूतरबाजी के राज और रमूज के यूट्यूब चैनल से और पेज से आपकी खिदमत में आपका दोस्त नदीम असगर हाजिर है। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर आफियत से होंगे और आपके परिंदे भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अच्छा दोस्तों चंद दिनों से मैं एक बात कर रहा हूँ कि कबूतरबाजी के राज और रमूज की एक रवायत है उसी रवायत को बरकरार रखते हुए आज एक लाहौर का बहुत बड़ा नाम रिकॉर्ड होल्डर नेम मियाँ से पहली बाजी के दो पहला चैंपियन के दो ऐसे दो तीन चार दो तीन 2002, 2003 और 2004 यानी कि आज वो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है तकरीबन 19 से 20 साल का अरसा गुजर चुका है उनका बनाया हुआ रिकॉर्ड आज भी कायम है। यानी कि मैं बात कर रहा हूँ मियाँ नदीम बशीर साहब की जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं कम अज़ कम मेरे अल्फाज के तारुफ के तो मोहताज नहीं है। वो खुद बहुत बड़ी शख्सियत है कबूतरबाजी और कबूतर परवरी में जो रिकॉर्ड परफॉर्मेंसेज इन्होंने दी वो शायद आज तक कोई नहीं दे सका। ये बात मैं इसलिए करूं दोस्तों ये जिस टेनोर में मियाँ साहब ने चैम्पियन तीन दफ़ा यानी कि जो चैम्पियंस की लाहौर की हैट्रिक थी आज तक सिर्फ मियाँ साहब ने ही वो कायम की और आज तक वो कायम है और बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये रिकॉर्ड इसी तरह चलता रहेगा। तो इससे पहले कि मैं मज़ीद कुछ कहूँ मियाँ साहब की तरफ चलना चाहिए और पहले उनके दोस्तों का तारुफ हो जाए और मियाँ साहब से गपशप हो जाए। दोस्तों अगर आप लोगों के सवालात के जवाब आज ना दे सकूँ तो माजरत चाहूँगा क्योंकि जब लाइव इंटरव्यू में बैठा होता हूँ तो फिर सवालात की तरफ ज़्यादा जो है ना वो ध्यान होता है तो जिसके लिए एडवांस माजरत चाहूँगा और सब दोस्तों को अभी आने वालों को और बाद में आने वालों को मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा सलाम हो जी। अस्सलाम वालेकुम मियाँ साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। मियाँ साहब क्या हाल है? ये सब आजकल तो छाए हुए हैं हर तरफ बाजियां ही बाजियां लग रही हैं। सर सीजन सर पे सारी ही पार्टी एक्टिव हुई हैं सारे अपने ग्रुप्स को लेके मार्केट में आए हुए हैं शो करने के लिए तो अल्लाह से उम्मीद करते हैं कि सालों का शो बहुत अच्छा होगा। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अच्छा मियां साहब माशाल्लाह ये सारे दोस्त आपके ये आपकी पार्टी ताहिर दुबई वाले जो है ना वो उनकी शागिर्द मियां साहब उनकी छत पे जरा सबका तारुफ करवा दें जी। उस्ताद मलिक मलिक आसिफ साहब कमरुज़मान उस्ताद कमरुज़मान पूरा ना लो सर मुदस्सर जट उस्ताद मुदस्सर जट साहब जी सर माशाल्लाह जी उस्ताद ही उस्ताद उस्ताद ताहिर के बड़े भाई तारिक तारिक राणा आसिफ जुड़े वाला तारा पूरा दोस्तों नबील साहब एडमन है यहाँ पे मतलब सारा कुछ जो है ना वो इस छत पे जो ये वो दोस्तों छत है मैं थोड़ा सा माजरत चाहता हूँ कि तारुफ में बताना भूल गया ये वो छत है जिसने पिछले पूरे एक साल जो है ना वो लोग जिसे कहते ना लाला लाला लगाई रखी थी जो फैसलाबाद से जो बाजियां शादियां थी इसी छत से खलीफा साहब की लगी जी सर। अच्छा इधर सामने आओ यार वो पीछे कौन बैठा हाँ भाई ना दस अपना सलमान आ जाओ यार इफ्तिखार साहब इधर आओ आप लोग ही शान हो भाई कबूतरबाजी की क्या नाम है भाई का? ये जी दोस्तों जो इस छत पे सारा कुछ संभाल संभूल करते हैं वो ये भाई जान भाई आपका क्या नाम है
लौरिया। और आपका सर? जावेद। जावेद, माशाल्लाह जी, बड़े अच्छे मुखलस दोस्त हों तो ही मियां साहब। टीम के बगैर कबूतरबाजी नहीं। बिल्कुल, किसी भी लोग की कामयाबी के पीछे उसकी टीम है। ठीक हो गया। अच्छा मियां साहब, बाजियां जो लगी हैं, क्या कानून और रूल्स वगैरह रखे गए हैं? क्योंकि इंटरव्यू तो आपका चल है ही, तो इसमें जरा बता दे, ताकि कुछ दोस्त जो है ना, वो बाज़ुकात उन्हें मसाइल का सामना करना पड़ता है। कबूतर उड़ के भी आते हैं, लेकिन बाज़ुकात उनका टाइम नहीं लिखा जाता। तो इस हवाले से जो लाहौर की कबूतरबाजी में जो आपने कानून राइज किए हैं या नए कानून नाफिज किए, उस बारे में थोड़ा सा बताएं दोस्तों। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, हमने कानून जो नया तो कोई नहीं बनाया, जो पूरे लाहौर के कानून है उन्हीं कानूनों के साथ, जो लाहौरी कानून कहलाती हैं या लाहौरी गेम कहलाती है। जी जी, लाहौरी गेम के हिसाब से बाजियाँ लगी। उसमें चीज़ें कुछ हम क्लियर करना चाह रहे हैं, जो चीज़ें पहले ही क्लियर हैं, क्योंकि कुछ जो न्यू कमर आते हैं उनको बाज़ का चीज़ों का पता नहीं होता और उनसे कोई गलती हो जाती है और सारे दिन के उनके कबूतर की मेहनत बहुत ज़ाया हो जाती है। बिल्कुल ऐसी। उसमें मैं कानून वही है, उनको मैं रिफ्रेश सिर्फ कर रहा हूँ कि जिनको नहीं पता या जो भूल चुके हैं उनको सिर्फ याद कराने के लिए। एक तो छत, आपने जो पल्ले का टाइम तो सारों को पता है जी, वो जेट का क्या है, बैसाख का क्या है, अश्वज का क्या है, लेकिन फिर भी जरा डिस्कस करते ताकि इलम में चला जाए। चेतर का जो बैसाख अब जब उड़ रहा है, चेतर आ गया जी, चेतर का टाइम है जी 6 बजे पल्ले का टाइम है। ठीक है। और जो बैसाख है 6:30 बजे, 5:30 बजे, और जेट 5 बजे। ठीक है सर। छत 11 बजे खुलनी है जी। और उसके बाद जो एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कई हमने आजकल लोग नंबरों वाली कड़ियाँ पहनाई होती हैं, वो काइंडली जो बाजी वाले दिन वो या कब वाले दिन वो उनको रिमूव लाजमी कर दें, कि जिस कबूतर की पाँव में रह जाएगी वो छत उस दिन उस कबूतर की बर्बाद से महरूम हो जाएगी। ठीक है। तो छोटी छोटी एहतियात हैं वो करें। और उसके बाद है जी, शाम को कबूतर जो आप बातें करते हैं बैठ के, जरा कबूतर को इन टाइम उस सबको दिखा देंगे तो कबूतर कटेगा भी नहीं, उसका टाइम ज़ाया नहीं होगा। क्योंकि एक दिन होता है कि जो सिर्फ कबूतरबाजी का होता है, जो जिस दिन आपका कप उड़ रहा होता है, तो सारे भाइयों से यही गुजारिश है कि उसमें वो थोड़ा सा एहतियात करें और कबूतर को देखें, प्रॉपर लड़के बिठाएं जो कबूतर शो होए तो मनसब को दिखाएं। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं करना चाहूँगा, और मेरी गुजारिश भी है, कि हमारी सारी कबूतरबाजी का दारोमदार हमारे मनसब पे है। हम लाखों रुपए की एंट्रियाँ करवा देती हैं और 1,000 का मनसब भेज देते हैं कहीं से पकड़ के। तो कोशिश करें कि मनसब आपका शागिर्द दोस्त भाई ऐसा जाए कि जो कबूतरबाजी को समझता हो, कबूतर परवरी के उसको सारे उसूलों का पता हो और बिकने वाला ना हो। हम जब 1,000 रुपये का बंदा लेके भेजेंगे तो वो 5,000 लेके आगे बिक भी सकता है। ये नहीं कि सारे बिकते होंगे, कोई भी नहीं बिकता, फिर भी हमें एहतियात करनी चाहिए कि जिस जो पेड़ है बंदा वो उस्ताद बन के आपका नाम रोशन करेंगे। तो उसमें आपके पूरे साल की मेहनत, अगर वो एक कबूतर भी गलत लेके आ जाता है तो आपके सारे साल की मेहनत को वहाँ पे खराब कर आती है। बिल्कुल ठीक हो। और इसके अलावा जरा ये भी बता दीजिएगा, कितने घरों से बाजी ओवरऑल आप मतलब आपके ग्रुप की लग चुकी है और किस ग्रुप के साथ लगी? मियां नज़ीर पार्टी के साथ हमारी गेम होती है जी लाहौर में, और इस वक्त मियां नज़ीर पार्टी जो है लाहौर की बिगेस्ट पार्टी है, तो उनके साथ हम शो कर रहे हैं जी। उनकी इस दफा 34th लॉफ्ट आई है जी मुकाबलों में, तो उनके साथ हमारे शौक उनके साथ 1-to-1 तय हुए हैं। कितनी बाजियां लगी थी? सुनने में आया था कि हमने ये किया था कि हमारे पास 23 लॉफ्ट ना जी, तो उनकी 34 थी, तो हमारी जो 11 छतें हैं उनकी डबल लगी हैं, बाकी सारों के सिंगल लगी हैं। 1150 के करीब जो है ना वो माशाल्लाह जोड़ जूंगा। और मेरे ख्याल में आज तक सबसे ज्यादा बाजियां जो ना इस दफे लगी है। अभी तक तो यही हुआ है, कल का पता नहीं। 1156। ठीक हो। अच्छा मियां साहब, ये तो होगी शौक की बात। अब हमें थोड़ा सा जो मियां नदीम बशीर साहब हैं उनके मुतालिक भी बताएं, कब से ये शौक था आपको और किस तरह ये शौक परवान चढ़ा? देखें, जो भी आपको प्लेयर लेंगे उसको शौक बचपन से ही होएगा, क्योंकि आहिस्ता ही जब छोटा होता तो शौक होता है उसे लेके वो चलता है। वो कोई भी हो, फुटबॉलर है, क्रिकेटर है, जो भी है, वो लेके वो आगे चलता है। बिल्कुल। तो मैं भी तकरीबन 8वीं 9वीं में था जब से ये शौक है। मेरे बड़े भाई थे, उन्होंने घर में रखे हुए थे बर्ड, तो उनको देख के मैंने अपने दोस्त की तरफ रख लिया। हम तो 8 या 9 की बात है, वो 88-87 की बात है, तब से ये शौक चल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता गया। पहले वो आप कहते हैं ना, पहले बंदा काउंसलर के इलेक्शन लड़ता है, फिर चेयरमैन बनता है, फिर एमपीए, फिर एमएलए,
फिर चल सर चल ठीक हो गया। अच्छा सर शागिर्द किसके है ये जरा बताइए। शागिर्द चौधरी सही मोहम्मद भट्टी साहब का माशाल्लाह, यानी कि आप चहेते शागिर्दों में से हैं। शागिर्द सारे ही चहेते होते हैं, जो उस्ताद अगर 10 शागिर्द करता है अगर उसमें वो क्लास रखेगा तो वो उस्ताद अच्छा ही नहीं है। उसके अगर 10 शागिर्द हैं तो 10 के 10 एक जैसे ही होने चाहिए जी उसके लिए। ये नहीं कि अमीर है तो वो अच्छा हो जाएगा तो जो कमज़ोर है जो बहुत अच्छा नहीं होएगा। लेवल शागिर्दों का एक ही होना चाहिए एक अच्छे उस्ताद के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर हमें थोड़ी सी रुदात बताएं, जो 3 दफ़ा मतलब लाहौर में हैट्रिक का, जो लाहौर चैंपियन में हैट्रिक वाहिद आपकी शख्सियत है जिन्होंने की थी, और उस बारे में ज़रा हमें बताएं कि कितने साल हो गए हैं और कौन से कबूतर उड़े थे। सर जी 2002 में ये पहला साल मैंने विन किया था, तो 2002 और 3 सालों में एक तो सारे कबूतर टैडी डाले 2002 में जी, 2 में भी 3 में भी 4 में भी एक कबूतरी थी आगा शाहिद साहब मरहूम के घर की वो 2003 में, और एक कबूतर था रीड ख्वाजा मजीब साहब के घर का। ये दो हाँ जी ये दो लाल आंखों वाले कबूतर 2003 में और 2004 में ये उड़े हैं माशाल्लाह जी माशाल्लाह। बाकी सारे टैडी कबूतर थे। अच्छा सर जितना आप टैडी कबूतरों को जानते हैं मुझे नहीं लगता कोई जानता होगा, क्योंकि आपने टैडी कबूतरों के बलबोते के ऊपर ही हैट्रिक की और संभाल के रखे हुए। ये मैं सवाल इसलिए करने जा रहा हूँ क्योंकि आजकल हर दूसरा बंदा टैडी कह रहा है, तो क्या टैडियों के अंदर ऐसी खसलत है, क्या उनकी शिनाख्त है, को थोड़ा सा हमारे साथ शेयर करें। क्योंकि अक्सर व बेशतर जो है ना वो दोस्तों के सवाल आते थे यार पैसे बड़े लगा दिए लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो आज आप हमारे साथ हैं तो ये आपसे बढ़ के मेरे ख्याल में कोई भी खूबसूरत बात नहीं कर सकता और बता सकता, जरा हमें बताइए। देखें कि लाहौर में बेशुमार कबूतर जो टैडी करके बिक रहे हैं जी, हर घर का अपने रंग का टैडी है, अपनी उसकी ब्लड लाइन उसके घर की है, जो भी है उसने जो हमने 2002 से लेके ऑनवर्ड उड़ाए हैं कबूतर, या उससे पीछे जो 2002 से पहले जो चौधरी सही मोहम्मद भट्टी साहब की तरफ कबूतर उड़े हैं उनमें सफ़ेद चोंच का एक भी टैडी नहीं था। आजकल जो टैडी मार्केट में नजर आ रहे हैं जो ग्रुपों में हम देख रहे हैं वो ज़्यादा वाइट चोंच के हैं, तो जो हमारे पास कबूतर उड़े हैं वो ज़्यादा थे जैसे स्लेटी कलर है लाइट आसमानी साजर ग्रे कह रहे हैं, ग्रे कलर में थी उनकी चोंचें भी पंजे भी और पलकें भी, या हल्का सा वो ममिनों में आते थे। अब वाइट चोंच के आ गए कबूतर, इवन चौधरी साहब के घर में भी वाइट चोंच के ही सेल आउट हो रहे हैं कबूतर, तो आई डोंट नो उसमें चेंज आनी शुरू होगी। ठीक हो क्योंकि आप देखेंगे घर के कबूतर अब जो लगते हैं ग्रुप्स में तो वो कबूतर जो अभी लाहौर में मुफ्ती दोस्त में पड़े हुए हैं कबूतर उनमें काफ़ी फ़र्क है। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा सर इनकी क्या परफॉर्मेंस है, क्या क्योंकि ये उस दौर की बात कर रहे हैं हम जब 2002 और 2003 में जो कबूतरबाजी है उसकी एक नई शक्ल जिसे हम मॉडर्न शक्ल हम कह सकते हैं कि 11-12-1 बजे से निकल के कबूतरबाजी शाम को गई, और वो उस कबूतरबाजी में अगर देखा जाए ओवरऑल तो किरदार टैडी कबूतरों का बहुत ज़्यादा है इतनी लंबी परवाजें देने में, तो क्या समझते हैं कि वो कबूतर जाना वो क्या उनमें ऐसी खूबी थी कि उन्होंने इतनी लंबी परवाजें दी। सर देखें उसमें सबसे पहले चीज़ है कि एक टैडी नहीं 2-3 नस्लें और भी हैं, मियां नज़ीर साहब के बड़े अच्छे कबूतर हैं जी। देखें पहले कबूतरबाजी बड़ी लिमिटेड चल रही थी, आज से 20-25 साल पीछे चले थे, अब कबूतरबाजी आ गई है जैसे आप छत पर बैठे हैं 10 बंदे यहाँ पे कबूतर परवरी आपकी जो आपका कब का शौक है ये टीम के सर पे है, जितनी टीम अच्छी होएगी लड़के मेहनत करने वाले होंगे कबूतर उड़ेंगे जी। उस दौर में जी 2-3 वीडियो चल रही थी, एक टैडी कबूतर चौधरी साहब के बड़े अच्छे थे और टीम भी उनके पास घर में भी बड़ी अच्छी थी, और लकीली मेरी तरफ जो टीम बैठी थी वो भी बड़ी अच्छी थी जी। तो टीम ने ही आपको जिताना होता है, अच्छा कबूतर अगर आप शाम को 7 बजे बिठाते हैं तो आपके जो बंदे उसको संभाल वाले हैं उसे फिट करेंगे तो डक पे उड़ेगा ना जी, अगर फिट ही नहीं होएगा तो वो बाहर गिर जाएगा या जल्दी बैठ जाएगा, तो इसलिए मैं अच्छे कबूतर के साथ जितना अच्छा कबूतर जरूरी है होना उससे ज़्यादा ज़रूरी अच्छी टीम का होना, इस कबूतर को वो फिट करके फिर उड़ाएंगे। उस्ताद ने तो गोली देनी है, अगर फिट होएगा कबूतर तो उड़ जाएगा, नहीं फिट होएगा तो गिर जाएगा, तो मैं सारा क्रेडिट देता हूँ टीम को जो कबूतर को आपको फिट करके आपको देती है और दोबारा वो परफॉर्म कर सकते हैं। सर ये थोड़ा सा हमें बता दें कि उन कबूतरों के कुंदे कैसे थे जो आपके पास उड़े, इसलिए सर पूछने जा रहा हूँ
क्योंकि जो कबूतर आपके पास थे और अब वाले कबूतरों में फर्क, क्योंकि हमें जो कबूतर नजर आ रहे हैं उनमें फर्क बड़ा नजर आ रहा है, और ये जो नए कबूतर परवर हजरात है, शौकीन हजरात है, वो जो है ना वो उनको भी पता चल सके वो कबूतर कैसे थे, उनके कुंदे कैसे थे। सर पहले हमें जरा उनके परों के मुतालिक बताएं कि पहले 10 पार उनके कबूतरों के किस तरह के आते थे। देखें आप माशाल्लाह से बहुत ज्यादा इंटरव्यू एक वीक में या एक मंथ में कर लेते हैं, आपने बेशुमार में जाके इंटरव्यूज किए हैं, तो उसमें आपने देखा है कि जो अच्छी छतें हैं उनके कबूतरों के जो पल्ले हैं और जो बी क्लास कबूतर हैं और ए क्लास कबूतर में दुनिया समाज का फर्क है। जो चौधरी साहब के पुराने कबूतर थे वो स्टेट परों के थे। हाँ जी, स्टेट परों के थे। उनमें से कुछ कबूतरों की जो टिप्स हैं लास्ट वो बाहर को भी निकलती हैं, और जो उनमें एक दो इस तरह के भी निकल आते थे जिनके 3 पर बराबर होते थे। ठीक हो गया। और सर उनकी बगले किस तरह की? बगले उनकी खुली बगलों के कबूतर थे, उनका लंबी बगले थी और फटे उनके छोड़े थे। माशाल्लाह। और इसके अलावा जो उनका वजूद वगैरह था वो किस तरह का? सर नॉर्मल वजूद के थे, ये अब नॉर्मल नहीं थे, वो छोटे भी नहीं थे बड़े भी नहीं थे, दरमियाने वजूद के। जो एक्चुअल कबूतर का साइज था 13 इंच के थे जी, वो 13 इंच को 13 इंच का कबूतर कहते हैं, ये कबूतर का एक्चुअल साइज है। हाँ जी, हाँ जी। वो 12.5 भी हो सकता है, वो 13.5 भी हो सकता है, 16 का भी अच्छा नहीं और 11 का भी अच्छा, 11 का भी अच्छा नहीं है। ठीक होगा। और सर उनके कलर जो थे, स्याही माइल थे, सबज थे, या फिर जो है ना वो पर्पल शेड में थे? सर देखिए इसमें जो हमारे पास जो अच्छे ज्यादा उड़े हैं वो जो सिरे उड़े हैं, बाद में हो गए वो कल सिरे बन गए, गहरे बन गए वक्त के साथ, टैडी गहरा हो जाता। हाँ जी, टैडी जो कबूतर चोई साहब वाले हैं अगर वो जो सिरे भी हैं तो 2-3 साल में वो कल सिरे हो जाएंगे, लगोट डाल लेंगे, कल्सर उनमें नहीं आती, कल्सर आप समझते हैं ब्लैक जो है वो नहीं आएगा, वो उनमें नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये ग्रे से शेड में कल सिरे बनेंगे, वो डार्क भी हो सकता है थोड़ा हरा। ठीक है सर, इनको उनकी गर्दनें मोटी थी या फिर पतली थी? पतली गर्दनों वाले ज्यादा थे, लंबी गर्दनें थी उनकी, गर्दनें लंबी थी। और सर बारीक थे या मोटे सरों के थे? अक्सरियत जो है ना वो उनमें दरमियाने सरों के निकलते थे या मोटे सरों के? 50-50 कह रहे, छोटे सर का एक आधा निकला, जैसे आप रूटीन में लोग मादी मुआ कहते हैं वो भी कभी कभार निकल आता था, जो ज्यादा थे कबूतर लगता था, मादी लगती थी। ठीक हो गया। और सर चूंच उन कबूतरों की, स्याह और दरमियानी या फिर लंबी? लंबी चौंच के भी एक दो निकालते थे पेयर उन्हीं मेयरों में से, बाकी तो ये नॉर्मल चौंच के थे, बहुत लंबी चौंच नहीं थी, बट लंबी चौंच के नहीं थे, मुनासिब चौंच जो। ठीक। और सर इसके अलावा इन कबूतरों की जो सिर्फ वो कबूतर बताइएगा जो आपके पास उड़े हैं, इसलिए क्योंकि आपके पास वो कबूतर अपनी असल हालत में थे इसलिए ये पूछने जा रहा हूँ। सर उनकी पलके किस कलर में थी? ग्रे कलर में थी। ग्रे कलर, चौंच भी ग्रे, पलके भी ग्रे, पंजे भी ग्रे। ठीक हो। ब्लैकिश में नहीं थी? ब्लैकिश में नहीं थी। और सेकंडली हमारी जो ये ब्रीड है चोई साहब वाली, ये गुलाबी आंख का डोरा बनाती है जी, ये प्लेन आंख के जमीन सफेद है, ऊपर कलियों में बच्चा होएगा या नहीं पहली दस्ती में होएगा तो लाल डोरा बनाएगी, 2-3 साल पुराना होगा तो गुलाबी कर देगी, डोरे के बगैर कबूतर चोई साहब का कबूतर। यानी कि जो चौधरी सखी साहब वाले जो कबूतर है उनकी बात की जाए तो वो डोरा लाजमी, डोरा लाजमी होगा। ठीक हो गया सर। और जमीन सर किस कलर में? व्हाइट कलर की थी। ठीक हो गया। चमकदार आंख बाहर को भरी हुई, बाहर को निकली हुई आंख जो थी। ठीक हो गया। और उसके अलावा जो रिंग थे इनके, चांदी कलर में थे या फिर ग्रे? रिंग मैंने बताया ना जो गुलाबी रिंग। नहीं नहीं सर, वो जो रिंग होता है आंख के बाहर, रिंग जो है। हाँ जी, आउटर रिंग, इसका ब्राउन भी आ जाता था कमकर का जैसे होता है, और ग्रे भी आता था। और ग्रे भी आता था, यानी कि आप जो ग्रे कलर कह रहे हैं वो हम कह सकते हैं कि वो कथई कलर, अपने ट्राउजर जो आपने पहना हुआ शो करवा दें जिससे इसको ले रहे हैं इसी तरह का कथई होता। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो रेडिश हो जाता है थोड़ा सा। ठीक होगा, ग्रे कलर में आते, अब तो इस तरह के कबूतर नजर ही नहीं आते। सर आप देखें गल्फ की जो दोस्त गल्फ से अपनी तस्वीरें अपलोड करते हैं बर्ड्स की, उसमें आपको 80% इसी तरह के नजर आएंगे। अहमद अब्दुल्ला चोई साहब के शागिर्द हैं, जमाल फाजल साहब हैं उनके पास भी हैं, तो शेयर करते रहते हैं अपने बर्ड्स की पिक्स, तो वो देखें कि वो कबूतर और जो अब मार्केट में जो लाहौर में मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ उसमें फर्क है। सर ये एक बात बता दूं, शायद ये बात किसी को बुरी लगे, ये आप नए कबूतर परवर हजरात के ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं जो आप बता रहे हैं, क्योंकि अब आप बात कर रहे हैं ग्रे रिंग की, अब ग्रे रिंग नजर नहीं आता, आप बात कर रहे हैं ग्रे चूंच की, ग्रे चूंच नजर नहीं आती, अब तो दोस्तों ने जो है ना वो हैं, तो चले हमारी बरादरी ही कबूतरबाजी है,
तो उन्होंने जो है ना वो सफेद नोक के जैसे वो सेठ वाले होते हैं उनसे मिलते जुलते कबूतर मार्केट में बना लिया। अच्छा सर, इनका जो पल्ला था दुम से बड़ा था या छोटा आता था? देखिए जी, इनका पल्ला गिल की हाँ जी वहां तक था। कुछ कबूतर जो इनमें चोई साहब के निकलते थे कबूतर शाम तक हमने उड़ते देखे हैं जी, अपनी छत पे ही देखे हैं। नंबरों या नाम के पीछे ना जाए, अगर अपने बर्ड बाय करना है तो बर्ड की अपनी क्वालिटी देखें। क्वालिटी बर्ड सबसे पहले है, उसका जो नंबर है या उसका जो नाम है वो ना खरीदें। अच्छा कबूतर देखना है तो उसके अपने पॉइंटों से देखें, यह ना लगे कि उसका एक्स नंबर है या वाई नंबर है इसलिए अच्छा है। अगर लक्के को मैं एक्स वाई जेड नंबर डाल देता हूँ जो मशहूर नंबर है तो वो अच्छा तो नहीं हो जाएगा। उसमें क्वालिटी देखें बर्ड की, नंबर को छोड़ दें, नाम को छोड़ दें कि इस नाम का लेना है या इस नंबर का लेना है। जो बर्ड आप बाय कर रहे हैं वो देखें कि वो उसमें क्वालिटी क्या है। अगर वो पूरी क्वालिटी में आ रहा है आपके जो आपने, देखिए हम कहते हैं जी कबूतर अच्छा बुरा आप कैसे चेक करते हैं। मेरा जो माइंड है वही है कि हमने एक स्केच बनाया होता है अपने जहन में कि हम कबूतर पकड़ते हैं, वो सेट उस स्केच पे अगर पूरा आ जाता है तो वो अच्छा हो जाता है, अगर उस स्केच पे वो पूरा नहीं आता तो वो हम उसे फेल कर देते हैं। तो इसी तरह हर बंदे के जहन में एक स्केच है जो उसके जो कबूतर वो शौक कर रहा है उसको पास फेल उससे करता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा कबूतर आप देखें उसको बाय करें अगर करना है, नंबर के पीछे ना जाए। बिल्कुल ठीक फरमा रहे। अच्छा सर, इनकी जो दुम थी वो बारीक दुम थी, लंबी दुम थी, छोटी दुम थी, किस तरह की थी? वो बारीक दुम है जी। कोई भी अगर कबूतर अच्छा है वो बारीक दुम वाला ही अच्छा, चौड़ी दुम वाला तो कभी भी अच्छा नहीं होगा। दो एक या डेढ़ पर की दुम होनी चाहिए जी। अच्छे, वैसे टैडियों में डेढ़ पर की ज्यादा मैं डेढ़ ही पसंद करता हूँ। देखें जितनी चाहिए पतली होती जाती है उसका कंट्रोल भी खत्म होता जाता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसी है, जब एक पत्ता हो जाएगी वो अनबैलेंस हो जाएगी। डेढ़ बड़ा मुनासिब है, आप खोलते हैं तो डेढ़ दुम जब पर की दुम है बहुत अच्छी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक बात। अच्छा सर, इसका सीना, क्योंकि जो कबूतर जदीद कबूतरबाजी है वो तब्दील हुई टैडियों से, और चौड़ा सीना और बंद दुम, मेरे ख्याल में जो चौड़े सीने के मालिक कबूतर थे वो सखी साहब वाले ही थे। टैडी कबूतर की सिर्फ बात करो, दूसरी ब्लड लाइन की तरफ नहीं जा रहा। तो सीना किस तरह का था और दुम किस तरह का? सीना चौड़ा। देखिए जो भी कबूतर होएगा आप देखिए, कोई पहलवान भी होता है ना, जो बॉडी बिल्डर भी है, तो जब वो उसका सीना सुना चौड़ा होगा तभी लोग उससे डरते हैं ना जी, उसके पल्ले कुछ होएगा तो लड़ेगा ना जी। हाँ जी, तो कबूतर जो है पूरी बॉडी का होना चाहिए, कबूतर हो या इंसान हो या कोई आप एनिमल भी ले लेते हैं, तो उसका फ्रंट अच्छा होएगा। अब चेस्ट बड़ी है तो उसी गर्मी में भी बर्दाश्त करेगा। बिल्कुल ऐसी, तो ये है कि उसके जिस्म में कोई जान होएगी तो वो लड़ेगा ना जी। बिल्कुल ऐसी, इसलिए चौड़ी छाती तो लाजमी है, हड्डी उसकी अच्छी होनी चाहिए। लेकिन बैसाख की या इस तरह कर लें कि प्यारों की गेम और जेठ की गेम में फर्क है। फर्क है बिल्कुल ऐसी, क्योंकि प्यारे की हम गेम कहते हैं कि डेढ़ दो बजे आपका कबूतर निकल आना चाहिए ताकि वो रात ना रहे। तो माशाल्लाह आजकल इतनी जिद्दत आ गई है, इतने अच्छे उस्ताद आ गए हैं कि दो ढाई तीन बजे भी कबूतर निकले तो वो सात बजे तक तो बड़े आराम से बिठाते हैं। तो जेठ में अगर कबूतर जल्दी निकल आता है तो वो जेठ की गर्मी थोड़ी सी चेंज हो जाती है, मौसम चेंज हो जाता है, मौसम चेंज है सारे मुल्क आएगी, हर शहर में गर्मी पड़ती है हर शहर में। तो कबूतर को गर्मी वाला जो कबूतर है वो तीन चार पाँच बजे अगर नहीं निकलता तो रात रहने का चांस बन जाता है अगर मौसम ना रहता है। तो कबूतर अच्छा ही रखें तो वही आपको जिता सकता है जी, क्योंकि जितना सख्त कंपटीशन हो गया हुआ है और जितने अच्छे उस्ताद और जितने अच्छे कबूतर सारे पाकिस्तान में हैं तो मुकाबले बड़े सख्त हो गए। और इसके अलावा इन कबूतरों के पंजे, ये अहम फैक्टर है मियां साहब, चोई साहब के जो कबूतर थे ना जी वो लाल पैरों के थे, खुश्क नहीं थे। नहीं, अब खुश्क आप किसको कहते हैं? मैं अंडरस्टैंड नहीं करता जी, कुछ लोग कहते हैं काले पाओं को खुश्क कहते हैं, खुश्क वो पॉजिटिव में लेते हैं या नेगेटिव में लेते हैं, मुझे ज़रा डिफाइन करता है। मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि बाजू का जब पंजा होता है ना, उस पंजे के ऊपर जो है ना वो जैसे खुश्की नहीं होती जी, इस तरह की जो है ना वो बाजू का कट्टों के ऊपर या पूरे पंजे के ऊपर आ जाती है, बाजू का नीला पंजा भी होता है, गहरा नीला जो हो जाता है अगर उसको जैसे आप कहते हैं वो वाइट सी हो पिंकी सी आ जाए तो वो तो किसी का भी अच्छा नहीं होता। जो फ्रेश पंजा है वो किसी भी कलर में वो अच्छा है, पर चोई साहब जैसे वो ब्लैकिश से, वो ब्लैकिश यानी कि जामनी कलर, जामनी कहने उसको, गहरे जामनी कलर, जामनी, और जो जमीन से फासला था इनका ज्यादा था कि दरमियाना था? नली की बात कर रहे हैं। हाँ जी, मैं नली मुनासिब नली की थी। देखें जो हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस है कि बचपन में हम देखते थे कि जो मैं सिर्फ लाहौर सिटी की बात कर रहा हूँ कि 90% कबूतर बैट में होते थे, अब
90% कबूतर खलील अली के हो गए हैं जी। मैं अपनी एक्सपीरियंस की बात करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि बैठवा जो कबूतर है ना जी, वो ज़्यादा ब्रीडर होता है, उस पर रेशम ज़्यादा होएगा, जिस पर रेशम है वही ब्रीडर। बड़ी अच्छी बात की, खड़ी हड्डी वाले सिर्फ खड़े रहते हैं सर, वो खुश्क कबूतर खुश्क बन हो जाते हैं, खुश्कपन आ जाता है, खुश्कपन आ जाता है, बिल्कुल आप सही। ब्रीडर जो है वो बैठवा, मैं अपनी जाती राय दे रहा हूँ, तो हर बंदे की अपनी राय जो है अपनी राय देने का, मैं बैठवा कबूतर जो है। चले मैं सर एक सवाल और पूछ लेता हूँ, आप बैठवी हड्डी के कबूतर कह रहे हैं चैंपियन ब्रीडर होते हैं, तो कभी खड़ी हड्डी का कबूतर चैंपियन देखा है? मैं सिंपल सी बात सर, मैंने क्योंकि मैं घूमता फिरता रहता हूँ, जो चैंपियन कबूतर देखे हैं वो दरमियानी हड्डी के होते हैं जो, हाँ जी, कभी भी ऐसे सीना तान के खड़ा होने वाला कबूतर कसदार कबूतर चैंपियन नहीं हुआ सर। वो कहते थे ना कि बचपन में कि वो बड़ा पहलवान है और कोई उसके आगे खड़ा होगा तो वो भाग जाता है। माशाल्लाह जी, समझदार लोग हैं, अच्छा शो कर रहे हैं, दिखे न्यू कमर आए हैं वो हमसे भी अच्छा शो कर रहे हैं जी, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। और सबसे जो अच्छी बात है ना जी, कि एजुकेटेड जो आ गए हैं प्लेयर इसमें, वो उस्तादों से पूछने के बजाय वो नेट खोलते हैं। एक चीज़ मैं बताता हूँ कि ये बड़ी अच्छी है, मुझे उसे पता नहीं कि मैं कुछ बता रहा हूँ ये अच्छी है, क्यों अच्छी है हमें ये नहीं पता, और नेट पर जाकर उसकी सारी निकाल लेते हैं कारकर्दगी, इसमें क्या क्या चीज़ें और ये किसके लिए अच्छी है और किसके लिए नहीं अच्छी। तो ये बहुत अच्छा शौक, अब मजीद हमें इंशाल्लाह 5-10 साल के बाद हर शहर में शौक और इससे भी अच्छा हो जाएगा। अच्छा सर, एक और बड़ा बहुत बड़ी टेंशन है, टेंशन ये है कि देखिए भेड़ चाल है, खासतौर पे इसमें हमारे जैसे लोगों का भी बड़ा किरदार है मीडिया का, कि ये लोग जोड़ के पीछे बड़ा भागते हैं। आपके जो कबूतर थे सिर्फ चैंपियन कबूतर, जो आज तक रिकॉर्ड नहीं तोड़ सके वो आज भी चैंपियन है कबूतर, उनके जोड़ कैसे थे? ये पॉइंट ही है ना जी। हाँ जी बिल्कुल, जोड़ बंद होएगा तो बहुत अच्छा है जी, पर ये काम पे लिखा है खुले जोड़ वाला कबूतर में उड़ता उड़ता है जी, वो भी उड़ता है, खुले जोड़ का भी उड़ता है। और जो कि जो हमारे सीनियर उस्ताद पॉइंटों की एक लिस्ट बना गए हुए हैं, उसमें बंद जोड़ भी एक अच्छा पॉइंट है। और सेकेंडली मैं जो कहता हूँ ना जी, जोड़ तो बंद होने चाहिए, हड्डी और जोड़ के फासले को भी आप कंसिडर करें कि वो कितना होना चाहिए, जितना कम होएगा उतना अच्छा है, उतना अच्छा। अच्छा सर, मैं ना इस सवाल के पीछे अक्सर थोड़ी सी रिसर्च भी कर दो, जोड़ का काम मैं समझता हूँ सिर्फ जोड़ना होता है, जो कबूतर के दो हिस्सों को जोड़ रहा था, क्योंकि उसका जो मरकज है, आज ही मेरी तरमीम की है कमर भाई जो मेरे साथ बैठे, मैं दुमगजा कहता हूँ, ये दुमकदा कहते हैं, हाँ जी आज से ये दुमकदा ही है, जिस्म के दो हिस्सों को जोड़ता है, दुमकदा के दरमियान में ये होता है, तो इसका काम जोड़ना, कि इसके अलावा भी कोई इसका काम होता है? आज का जो दौर चल रहा है ना, वो बाल की खाल निकाल सर, बाल की खाल नहीं, आप अपना तजर्बा बताइए। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि ये वाकई ही जोड़ने वाली बात है। मैं एक उस दिन एक लिंक में लिखोला तो एक उस बड़े अच्छे उस्ताद है जी, वो बता रहे थे कि ये जोड़ ज़्यादा इस तरह नहीं, तो इस तरह होने चाहिए कि वो आपस में रगड़ खाते हैं तो कबूतर जल्दी बैठ जाता है। ये बात तो ठीक है सर, जो जोड़ बंद होता है ना, बेसिकली अगर ना मैं ना इसका एक तजर्बा मैंने जाती तौर पर किया कि जोड़ खुला, कबूतर जब उड़ता है जोड़ खुला होता है कि बंद होता है? सर जब कबूतर प्रवाह जाल के अंदर जिस दिन बड़ी तेज, उस दिन हवा तेज थी, मैंने ना कबूतर को जाल के अंदर छोड़ा तो कबूतर ने उड़ना शुरू किया, जब हवा में था दुम खुली तो जोड़ भी खुला, नीचे से वो उसके पॉइंट महसूस हो रहे थे कि यार ये जोड़ खुलता है, हाँ जी स्पेस उसमें आती थी। तो इसने इसका ना एक और तजर्बा, एक दिन मैं नौकरी पेशा हूँ, एक दिन कबूतरों को ना कुछ 12 घंटे हो गए जो है ना वो दाना नहीं डाला, तो जब आके कबूतर पकड़े तो जो उनके दाना खिला के जोड़ का फर्क था वो और था, जब भूखे में देखे तो फिर भी और फर्क महसूस हुआ। तो मैं फिर इसी कंक्लूजन पे जो आपने बात की है वो बड़ी खूबसूरत बात है, इसका काम सिर्फ जो है ना वो जोड़ना होता है और मेंटेन कबूतर को करना होता है, बहुत बड़ी बात आपने की है सर। इसके अलावा हमें को थोड़ा सा साकिब बाबा साहब, एक तो सलाम है आपको और मियाँ साहब की तरफ से मैं स्पेशल आपके सलाम के लिए रुका हूँ, और साकिब भाई कह रहे हैं वो बड़े अच्छे भाई हैं मेरे, तो साकिब भाई कह रहे हैं मीडिया ने नेगेटिव ज्यादा काम किया। आप मियाँ साहब क्या कहेंगे इस बारे? साकिब भाई की बात 110% ठीक है तो सर, उसमें मीडिया का भी गुनाह नहीं है जी, मैं पैसे देके आपको बुलवाता हूँ, मैं जो मर्जी बोलूँ, आप ही मजबूर है वो ऑन एयर करने के लिए, ऐसी है तो उसमें आप तो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, ये हमें चाहिए कि हम पॉजिटिव बात करेंगे तो मीडिया पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव बात करेंगे तो मीडिया नेगेटिव हो जाएगा। आपने तो हमारी बातें आगे लेके जानी, आगे लेके जानी, बिल्कुल ऐसी है।
अच्छा सर, इसके अलावा हमें कुछ थोड़ा सा अच्छे कबूतर जो आपकी पसंद है, मैं बात करूंगा सिर्फ वो 2002, 2003 और 2004 की, इसलिए करूंगा कि वो कबूतर हमारे लाहौर के आज भी चैंपियन है। इसलिए चैंपियन है कि आपने जो हैट्रिक की है वो आज तक चैंपियन की हैट्रिक आज भी उसी तरह कायम है। तो उस बारे में थोड़ा सा हमें मजीद बताएं कि वो जो हैट्रिक थी उसमें क्या फैक्टर कार फरमा हुए कि वो लगातार आप मुसलसल 3 साल जो ना वो चैंपियन हुए, मेन क्या फैक्टर थे कि आप मुसलसल जो ना वो चैंपियनशिप जीते? अच्छे थे, टीम अच्छी थी, उस्ताद अच्छे थे, यही चीजें होती हैं। और सबसे बड़ी चीज अल्लाह पे मेहरबान है। हाँ बेशक। देखिए अब एक कबूतर आप बैठा रहे हैं जी 8 बजकर, 1 मिनट में उसका टाइम ही कोई नहीं है। अगर वो 1 मिनट पहले बैठ जाता तो आप चैंपियन हो जाते। मेन चीज तो अल्लाह की जात है जी, आपको वो सजा देगी तो बस आप सज ही जाएंगे। 7 बजकर 59 मिनट में बैठ गया तो आप विनर हो गए। 8 बजे बैठा, 2-3 सेकंड में ही आपकी जिंदगी आसमान से जमीन से, जमीन से आसमान पे जाए। तो अल्लाह के हाथ में जी, इसमें तो ये कहेंगे मैं बड़ा उस्ताद था, तो ये ऐसी तो खुदा नास्ता चीज ही कोई नहीं है जी। अल्लाह मेहरबान तो हर चीज बेहतरीन हो जाए, हर चीज। अच्छा सर, इसके अलावा जो दाना पानी होता है जी, जी। अच्छा देखिए, मैं आपको ना शुरू में ये बात रियलिटी है के जो 20s का, जब ये मतलब हम 20 में शामिल हुए हैं तो कबूतरबाजी की, क्योंकि उससे पहले मैं भी कबूतरबाजी करता रहा हूँ, कबूतरबाजी बिल्कुल लिमिटेड सी थी। लिमिटेड इस तरह अच्छी थी 11-12 बजे सुकून से कबूतर बिठा के हार जीत करके घर बैठे होते थे, कबूतर भी सुकून में और खुद भी सुकून में। अब की जो कबूतरबाजी है इसमें जिद्दत में क्या फैक्टर कार फरमाया? आपने ये चीजें नोट की होंगी जैसे हमने की हैं कि जिद्दत कौन से इलाकों से आनी शुरू हुई? जहाँ हम बैठे हैं सर, यहीं से शुरू, शुमाली पंजाब से आनी शुरू हुई, गुजरात, खारिया, जेलम, ये सारे जो प्लेयर हैं इनके रिलेटिव बैठे हैं यूके में, अमेरिका या यूरोप में, तो उन्होंने वहाँ से वो मेडिसिन जो बर्ड्स के लिए ही बनी थी वो लेके आए हैं, उनसे उन्होंने कबूतर उड़ाए हैं, वो शाम तक बैठे हैं। और सेकेंडली मैंने अपनी आपे को बात की थी कि नई जनरेशन जो आई है पढ़ी लिखी आई है, उन्हें पता है कि कौन सी चीज़ किस चीज़ के लिए बनी है। तो जब अवेयरनेस होएगी, आप पढ़े होएंगे, आप नेट खोलेंगे, आप चीज़ निकालेंगे कि ये चीज़ मैं एक लेके आया हूँ, इसके इससे काम मैंने क्या लेना है? एक चीज़ उड़ाने वाली है वो सुबह के टाइम दे रहा हूँ, एक चीज़ संभाल वाली है मैं रात के टाइम उड़ाने के टाइम दे रहा हूँ, तो वो तो कभी भी काम नहीं करेगी। देखिए जो भूख जिस टाइम लगी है उस टाइम खाना खाना है, जिस टाइम प्यास लगी उस टाइम पानी पीना है। तो अब नई जनरेशन पढ़ी लिखी है, उसे पता है कि जी, और सेकेंडली अब रिसोर्सेज भी सारों के पास हैं। गुजरात जन्म खा रहे के, इसलिए मैंने जिक्र किया कि आप वहाँ पे देखें, पहला 6 बजे, आखिरी भी 6 बजे, और वहाँ से स्टार्ट हुआ ना जी, बिल्कुल ऐसी। तो उनके पास फाइनेंस भी था, बर्ड भी उन्होंने अच्छे ले लिए, बाहर उनके रिलेटिव बैठे हुए थे, उन्होंने चीज़ें भी मंगवा ली, पढ़े लिखे भी थे, उन्होंने इस्तेमाल करना भी सीख ली। अब आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे सारे पाकिस्तान में वो चीज़ें फैल रही हैं। सर आपने बजा फरमाया, सर देखिए पहले मैंने जैसे आपको मतलब बात की, कबूतर जो है वो स्कूल से 11-12 बजे फारिग हो जाते थे, तो इसमें कबूतर अच्छे बन गए हैं या दाना पानी अच्छा हो गया? सर तीनों चीज़ें अच्छी हैं, कबूतर भी अच्छे बन गए, दाना पानी भी अच्छा आ गया, टीमें भी अच्छी आ गई। देखिए पुराने ज़माने की एक जो कबूतरबाजी थी ना, ऐसे 10-15-20 साल जब से पीछे चले जाएँ, तो जो उस्ताद थे वही कबूतर संभालते थे, काम पर भी वही जाते थे। अब आप खुद दफ्तर बैठे होते हैं, 6 बंदे आपकी छत पर आपने मावज रखे होते हैं, तो आपकी कबूतरबाजी अच्छी क्यों नहीं होगी? बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर उस वक्त शायद मैं इस बारे में थोड़ा सा सोचता गलत हूँगा, उस वक्त कबूतर ज़ाया होने की रेशियो भी बहुत कम थी। क्या ये जो कबूतर आज का जो नया जदीद कबूतर है, जिस कंडीशन पे ये जाके पहुँचा, क्या ये क्रॉस की वजह से है? क्रॉस की वजह से बिल्कुल। देखिए रेशियो का मसला ये है कि उसको एक उस्ताद ने अगर 7 बाजियाँ इस साल उड़ा ली हैं, तो 2-3 साल वो उड़ाते ही नहीं थे। उनके कबूतर अगर वो बच गए हैं तो 2 साल तो वो बाहर ही नहीं निकलेंगे, तो बच ही रहते थे। लगड़ उस वक्त कम था, बैरी उस वक्त नहीं थी। अब तो देखे ना कि आपकी लगड़ बैरियाँ और सेकंड, अब के जो नए प्लेयर हैं वो 6 साल से स्टार्ट हो जाएं और 80 तक वो रुकते ही नहीं हैं, तो उनको तो बढ़ चाहिए, और लगड़ भी 10 गुना ज़्यादा हो गया पहले से। और सेकंडली ये है ना कि हम तो सारे उड़ातियाँ दे दे में हैं कि जब रात को लगाने की कोशिश करेंगे उसमें भी मिस होंगे बर्ड, बिल्कुल ऐसी। उसके लिए आपको तादाद चाहिए, जिसके पास तादाद नहीं वो कभी भी मार्केट में नहीं लड़ सकता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक होगा। अच्छा सर आज की वैसे मैं इसको ये भी फैक्टर भी समझता हूँ कि आजकल जो मेडिसिन है बाज़ औक़ात जो है ना वो हम उसे मेंटेन नहीं कर पाते कबूतर, जिस वजह से भी ज़ाया होता है, क्या ऐसे भी कोई फैक्टर है? क्योंकि पहले जब बात मतलब 20s के आगाज़ की जाए तो ज़्यादातर देसी अद्वियात के ऊपर असाज़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं। कबूतर तो उस वक्त भी शॉर्ट हो जाते थे, देसी में भी शॉर्ट होते हैं।
अगर देसी भी आपकी कोई क्वांटिटी आप एक जो ऊपर नीचे हो जाती है उसमें भी मिसिंग का चांस हो जाता है। तो गोली का भी ये हिसाब है जो आप उसको मेडिसिन कहते हैं। मेडिसिन में भी ये है कि एक चीज़ बनी जो है उसकी अगर आपकी मकदार सेट है तो आप अच्छा उड़ा लेंगे, अगर मकदार में 19-20 होएगी तो उसमें बोल्ड होने का चांस हो जाता है। और सबसे बड़ा जो फैक्टर ये है कि हम 2 बजे वाले को भी वही गोली दे रहे हैं और शाम 6 बजे वाले को भी वही दे रहे हैं, उसमें भी फ़र्क आ जाता है। जो अच्छे उस्ताद हैं उन्होंने पता कि 2 बजे वाले को उसकी मकदार क्या और जो 5 बजे वाला उसकी मकदार क्या, जो वो सेट कर लेगा वो हारेगा ही नहीं। शाम तक लड़ेगा ना जी। हाँ जी बिल्कुल ऐसे अच्छे प्लेयर हैं, मुकाबला तो आप देखे ना 1 सेकंड कम 8 बजे तक है। बिल्कुल भट्ट साहब ने माशाल्लाह 85 घंटे बनाए हैं। हाँ जी। और एक और शत मैं पढ़ा था काश्यप बिलाल अल बहा कितना 86 तो कितना टफ हो रहा है। आज से 10-15 साल पीछे चले जाए तो 65 घंटे वाला पहले नंबर पे होता था, अब 65 घंटे वाला तो क्वालिफाई नहीं करता। बिल्कुल 10-15 घंटे का फर्क डल गया ना जी गेम में आपकी, तो अच्छे बॉडी और अच्छी टीम की वजह से डला ना। बिल्कुल ऐसी। और 10-15 घंटे बड़े घंटे होते हैं जी। सर जी से आगे और जाना कहाँ है। देखें वेरी सून आप देखेंगे कि 7 कबूतरों से सेंचुरियां लगेंगी। बिल्कुल लगेंगे जिस स्पीड से माशाल्लाह कबूतर बाजी बढ़ रही है तो 7 कबूतरों से सेंचुरी 7:30 बजे के बाद सारे बैठाएंगे तो सेंचुरी बन जाएगी ना जी। 102 घंटे बनते हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसी। तो वैसे इसमें थोड़ी सी रिलैक्सेशन आओ क्योंकि देखिए क्योंकि क्योंकि देखिए आप जो है ना वो लाहौर की एक बहुत अहम दफ के जो है ना वो सरबराह भी है, तो इसमें टाइम में थोड़ा सा उतार चढ़ाव करवाएं क्योंकि अक्सर होता है कि दोस्तों के ओवर टाइम बैठ जाते हैं कबूतर। देखेंगे उसमें ये कि ये सारों की मुशावरत से होता है। हाँ जी बिल्कुल ऐसी। तो लाहौर में जो है सारे माशाल्लाह अच्छे उस्ताद बैठे हैं। लास्ट सिटिंग में जो हमने 2016 में की थी या 16 में वसीम शफी साहब की तरफ उस वक्त असवज हम 7:30 बजे का कर रहे थे तो वो बड़ी मुश्किल से 7:15 का हुआ था। तब इंशाल्लाह एक आधे साल में सारों के 8 बजे तक बैठने शुरू हो जाएंगे तो टाइम होगी आधा एक घंटा एक घंटा ऊपर नीचे हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा मियां साहब आपने जो डेफिनेशन चौधरी सखी साहब वाले कबूतरों की क्योंकि उसमें आपका पीछे तजर्बा था, आपने वो कबूतर उड़ाए उन्हीं को 25 साल उनके साथ रहे उन बर्ड्स के साथ ऊपर बंदा उनको सीख ही जाता है। अभी भी माशाल्लाह उन्हीं के साथ ही। हाँ जी अभी भी उन्हीं के साथ माशाल्लाह उन्हीं के साथ ही। क्योंकि जो चौधरी साहब वाले सखी चौधरी सखी साहब वाले जो कबूतर है आपसे अच्छे किसी के पास हो नहीं सकते। सर मैं इसलिए कह रहा हूँ होंगे लेकिन मैं ये इसलिए कह रहा हूँ उन कबूतरों ने जो परवाजें आपकी छत पे दी हैं उसके बाद जो है ना वो शायद उस तरह की परफॉर्मेंस जो है ना वो कम देखने को। हाँ जी अभी तक दोबारा उस तरह की नहीं है। लेकिन ना कि जो आप कबूतर हमने उड़ाए हैं जब उनको तो उनसे इतना प्यार हो जाता है। जो देखिए कोई चीज़ भी जब आपका कोई दोस्त है या कोई आपका रिलेटिव सर आप साथ साथ चाय भी ले जो आपको इज्जत देता है तो आप उसका प्यार भी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आप उसको प्यार नहीं करेंगे तो फिर उससे आप उसकी इज्जत के काबिल नहीं है। बिल्कुल ऐसे वो आपका ओपोनेंट होए। अब देखिए चेयरमैन साहब अल्लाह को बहुत से जिंदगी दे कि हमारा उनके साथ शौक हो रहा है और बिलीव यू मी कि हमारा आपस में फैसला कोई रात को होते ही नहीं है। अगर कोई 19-20 किसी छत का उनकी तरफ से या हमारी तरफ से कोई आ भी जाता है तो वो हमें पता ही कि हमने इस फैसले के लिए अगर मियां नज़ीर साहब पार्टी में कोई इशू होता है तो वो आप तक नहीं आता, वहीं पे खत्म हो जाता है। छत भी खत्म हो जाता है और आपकी तरफ से हो तो आप भी छत पे खत्म करते हैं। जब हम खुद फैसला करने वाले हैं और मुझे पता है कि मेरा बंदा गलत है या तो मैं उसे लेके जाके तो कट में जो कबूतर कटवा के आना तो गाड़ी कटवा लो। चांस लेने क्यों जाना। बिल्कुल ऐसी। अच्छा मियां नज़ीर पार्टी की तरफ से बिल्कुल ऐसी अगर कोई कबूतर गलत है तो उसका फैसले में लेके जाने का फायदा क्यों है। बिल्कुल ठीक फरमा। सर देखें आप उसमें अपना भी टाइम बर्बाद करते हैं और अपने ओपोनेंट के भी करते हैं जो जज साहब आना उनको भी वो काम छोड़ के आना पड़ता है तो वही काम अगर फोन पे हो जाता कि यार ये लिखे नहीं जा सकता तो जाने का फायदा क्या। बिल्कुल ऐसी ठीक फरमा रहे। अच्छा सर इसके अलावा थोड़ा सा कबूतर परवरी की तरफ आते हैं। आप जो कबूतर आपने 2002-3-4 में उड़ाए उन कबूतरों को असल हालत में उड़ाया था कि या वो क्रॉस में थे। सर देखें उस वक्त क्रॉस ज्यादा नहीं हुआ था, हर तरफ प्योर कबूतर ही उड़ रहे थे, प्योर ही उड़ते थे टैडी वो प्योर ही उड़े। मैंने क्या उड़ाए मेरे से पहले जो चौधरी साहब की तरफ भी उड़े हैं mid-90s से लेके ऑनवर्ड वो प्योर ही उड़ते रहे हैं जी। यानी कि चौधरी साहब के बाद आपकी छत पे सबसे अच्छी और बेहतरीन परफॉर्मेंस है। चौधरी साहब हमारे बड़े सीनियर उस्ताद हैं, वो हैं 2001 के चैंपियन भी रहे हैं तो उनके पास भी प्योर शेप में उड़े हैं कबूतर। ठीक होगा। मुनीर बाबर साहब हैं हमारे बड़े सीनियर प्लेयर हैं जी वो
उनकी तरफ भी हैं, अफजल चौधरी साहब की तरफ भी उड़े हैं, बेशुमार शतों पर उड़े हैं, पर उसमें यह है कि मेरे जरा लंबे उड़ गए, उड़े उनके भी शाम तक हैं, मेरे साथ उड़ गए, उनके पांच उड़ गए या किसी के तीन उड़ गए। अच्छा सर, ये थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसी वक्त को जो है ना वो रिपीट करूँ, क्योंकि मैंने जब वो सुना था ना कि मियाँ नदीम बशीर साहब, तो एक उस वक्त से ख्वाहिश थी दिल में, तब भी शायद लाहौर शायद नहीं, यकीनन नहीं था आया, तो लाहौर चैंपियन तीन दफा होना ख्वाहिश थी आपसे मिलने की, जो आज पूरी हुई है कई सालों के बाद, तो इसीलिए उस टाइम को जो है ना वो बार बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि उस वक्त जो कबूतर आपके उड़े उससे पहले कभी नहीं उड़े। तो सर वो कबूतरों की क्या परफॉर्मेंस थी और कितने बजे तक की परवाजें रही उन कबूतरों की? 6 से 7 बजे तक बैठे, और उसमें एक चीज और बड़ी मेरे प्लस पॉइंट में आती है जी, कि मेरे 6 से 7वीं बाजी नहीं उड़ी, 6वीं सबको फर्क कर दिया, 5वीं छठी में सबको फर्क, 7वीं नहीं उड़ी 3 साल से, और किसी से हारे भी नहीं हूँ 3 सालों में, उन 3 सालों में सभी से जीते, सभी से जीते, क्लीन स्वीप किया, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा सर, अगर वही कबूतर आपके पास हो और अब दोबारा उनको अगर क्रॉस करें तो किस ब्लड लाइन में लेके जाएंगे? सर देखें, सारी दुनिया जान रही है, जब आप देखें सिटी सिटी क्लास वेरी करता है जी, सियालकोट के बहुत अच्छे कबूतर हैं, वो सियालकोट वाले अपने कबूतरों में जो भी लाल आंखों वाला जो क्रॉस करते होंगे या टैडी करते होंगे, हमने तो दो नस्लें ही देखी हैं, लाल आंखें और टैडी, तो ये दोनों नस्लों का एक क्रॉस अच्छा, वो गोल्डन ले लें, कमगर ले लें, या आप डब्बा वाले ले लें, इन्हीं के साथ क्रॉस करेंगे जी, इन्हीं के साथ क्रॉस करें। लेकिन अगर लाल आंखों में अगर आपको इंतखाब करना पड़े किसी ब्लड लाइन का, कमगर या डब वालों में से किसका करें? जी कमगर का, कमगर का करें, ठीक हो गया। और इसके अलावा अब आप खुद ही कुछ बता दें हमें अच्छे कबूतर के मुतालिक, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि जो उड़ता है, जो आपकी इज्जत का भाई वाला है, वो ही अच्छा है। नहीं, लेकिन उसमें ये है ना, ये तो बात समझ में आ गई कि जो उड़ेगा वही इज्जत का भाई वाला कबूतर, लेकिन वो लाए कहाँ से, उसकी पहचान हम कैसे करें? माशाल्लाह देखेंगे, ये वो बात कर रहे हैं आपके जैसे किसी को पहचान ही नहीं है, सारा पाकिस्तान भरा पड़ा है एक से एक अच्छा समझदार और नफीस। सर मेरे जैसा नलायक बंदा भी तो होता है ना, आपको फिर आपको किसी दिन हम ट्यूशन देंगे ऑफलाइन देंगे नहीं लाइव ही दे दे 55,000 वाला तो होने सामने तो क्या साहब कुछ गल्ला राज रहन दियो ठीक हो गया। बॉडी का जो कंप्लीट कबूतर है पॉइंटों में पूरा जी वही उड़ेगा। अच्छा चले ऐसे कर लेते हैं कि आपको अगर कोई भी कबूतर है उसकी जब आप सिलेक्शन करते हैं, कौन सा अहम पॉइंट है जिसको कभी नहीं छोड़ते, वो होना लाजिम है? देखिए बॉडी स्ट्रक्चर मेन इशू है जी, बॉडी उसकी अच्छी है, देखिए पर तो सारे कबूतरों की अच्छी है जी, उसकी बॉडी पूरी है तो वही बॉडी स्ट्रक्चर पूरा होना चाहिए। सर ये बॉडी स्ट्रक्चर पूरे वाला जो मैंने थोड़ा सा हमें बताएं कि ये किस तरह का होता है? वही बात आ जाती है कि वो 4 उंगलियों की हड्डी हो तो उंगली पतली हो तो फिर वो 5 कर लें, मोटी है तो ये तो कमर साहब वाली बात होगी। स्पेसिफिकेशन तो वही आ गई ना जी, आपने देखना है कबूतर आपका हाड़ कितनी इंच का है और हड्डी कितनी होनी चाहिए, ठीक हो गया सर। या फीता जेब में रख लिया करें? नहीं फीता तुझे रहने दियो इंची टेप। अच्छा सर इसके अलावा जो मतलब बनावट है हड्डी की, देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि इस तरह का जो इंटरव्यू हो रहा होता है ना तो ये सारी दुनिया में तकरीबन देखा जा रहा होता है। जी जी जी। और हर शहर का एटमोसफेयर फर्क है, बिल्कुल ऐसी है। मैं एक चीज की तारीफ कर रहा हूँ वो मेरे शहर के लिए तो शायद बहुत अच्छी हो, दूसरे शहर के लिए वो बिल्कुल जीरो, बिल्कुल ऐसी है। तो वो मिसगाइड करने वाली बात ही हो जाएगी जो आउट ऑफ कंट्री को मेरा इंटरव्यू सुनकर कहता है इस तरह का कबूतर अच्छा है और इलाके में हवाई बड़ी तेज चल रही होगी तो हमारा बड़ी कुंजे का कबूतर क्या काम करेगा वहाँ पे। तो हर इलाके की अपना मौसम है, अपना एटमोसफेयर है, उसी हिसाब से वहाँ का बर्ड है। ठीक सर, अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर में किस तरह का कुंदा पसंद करते हैं? कुंदा ही अच्छा है ना जी, देखे कबूतर जो गर्मी का कबूतर है वो हम कहते हैं कि सुबह मुंह उठाए आसमान चला जाए, वो 2 बजे 3 बजे निकलेगा, जितने बजे वो निकलता आए और आगे आधे घंटे में बैठ जाए, नंगा फिरने वाला तो सीन ही ना होगा मैदान में आके, वो 2-4 घंटे लगाए, ठीक हो गया, यानी कि बंद होकर उड़ने वाला कबूतर। मैं गर्मी और जेठ की बात कर रहा हूँ जी, ठीक हो गया। देखिए ना गुजरात का क्या हो गया, खारी वाला हो गया, हर इलाके की कबूतरबाजी मुश्किल है, मियाँ वाली में बहुत गर्मी हो आगे कबूतरबाजी मुश्किल है, और हम लोग ये समझते हैं कि मेरे शहर की कबूतरबाजी मुश्किल है, हर शहर की कबूतरबाजी मुश्किल है, हर उस्ताद में बेहतरीन और बड़े नामवर उस्ताद बैठे हुए हैं जी, उनका आपस में जो मुकाबला होएगा 6-6 एक लेवल के उस्ताद है वो जीतना देखनी है तो सारे को टफ कंपटीशन के बाद ही उसका हार जीत होएगी ना जी। जी बिल्कुल ठीक।
तो हर शहर, अब देखें पंजाब में, अगर पंजाब का बोल रहा है आज भी मना, कल उड़ा हुआ था, पूरे पंजाब के बेहतरीन उस्ताद जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसमें वो हर शहर का जो नामवर बंदा है उसमें वो पार्टिसिपेट कर रहा है, जिसके पास बर्ड भी अच्छे हैं, टीमें भी अच्छी हैं। तब ये है कि बात घूम फिर के अल्लाह पे ही आती है और आनी भी अल्लाह पे ही है कि उसने किसको इज्जत दी। बेशक, यानी कि हमें अपने शहर के हिसाब से टेम्परेचर जो चलता है उस हिसाब से होना तो यही चाहिए कि मैंने अगर मैं लाहौर में शो कर रहा हूँ, मैं मशवरा दे रहा हूँ यूएई वालों का, तो मैं बेवकूफ़ी होऊंगा ना जी। हाँ जी, जहाँ पे टेम्परेचर होती है जो, जिसका वेदर का मुझे पता ही नहीं है। हाँ जी बिल्कुल ऐसी, या इंग्लैंड वालों को दे रहा हूँ, जो एक्स वाई ज़ेड या कराची वालों को दे रहा हूँ, मुझे तो अपने शहर का जो है कि मैं अपने शहर का मौसम भी पकड़ लूँ, कोई वही बहुत बड़ी बात है, बड़ी अच्छी बात है। कभी भी नहीं किसी ने की है, नहीं कोई भी नहीं करता, जो गल्ला मियाँ साहब ने की है ना कोई भी नहीं करता। चले मियाँ साहब शुक्रिया, थैंक यू। ये जी दोस्तों, सर आप सबका शुक्रिया, कमर भाई मियाँ साहब आपका शुक्रिया, ठीक है नबील भाई थैंक यू, सर तारिक साहब शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, अभी तो मियाँ साहब ने जो है ना वो लाइव में ख़त्म करने लगूँ लाइव ख़त्म करने लगूँ, लेकिन मियाँ साहब के साथ दो रिकॉर्डेड वीडियो मैंने और बनानी है, वो मियाँ साहब को मुझे मनाना पड़ेगा इसलिए अब दीजिएगा इजाजत, फिमान अल्लाह हाफिज, और रिकॉर्डेड वीडियो मियाँ साहब की जरूर दो बनाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने जब भी इंटरव्यू किया ना तो पहला मैं नदीम साहब को ही करूंगा इंशाल्लाह इनके पास भी बहुत बड़ा खजाना है जी, मैंने देखा है आज इनको। सर मेहरबानी है आपकी। अच्छा दोस्तों, अब दीजिएगा इजाजत, फीमान अल्लाह हाफिज, और अभी एक अच्छे कबूतर की पहचान परख के ऊपर जो मेरा वतीरा और मैंने वीडियो बनानी बनानी मियाँ साहब से। ये तो लाइव इंटरव्यू था ताकि आप लोगों को मियाँ साहब से जो है ना वो कुछ समझने को मिले, और जो मियाँ साहब ने आज बताया इन बातों को दोस्तों पल्ले के साथ बांध के रखिएगा, क्योंकि जो चौधरी सखी साहब वाले कबूतरों की बात की जाए, मियाँ साहब से अच्छी बात कोई भी नहीं बता सकता। इंशाल्लाह जरूर रिकॉर्डेड वीडियो कबूतरबाजी के राज और मूज के यूट्यूब चैनल के लिए दो बना लूंगा। अब दीजिएगा इजाजत, फीमान अल्लाह हाफिज, और दोस्तों जाने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल कबूतरबाजी के राज और मूज सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, वो सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो मिलती रहे। अब दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।